दोस्तों, अगर मुझे किसी ने अगर पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा फ्लावर बेस्ट विंटर फ्लावर है, तो मैं एक ही नाम बताऊंगा, वो है इम्पेशंस। और क्यों इम्पेशंस एक बेहतरीन विंटर फ्लावर है, स्पेशली जो इंडियन कॉन्टिनेंट है इस क्लाइमेट में, और क्यों है बेस्ट फ्लावर, उसका तीन कारण मैं बताऊंगा। अगर मैं सही हूँ तो भी आप बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो भी आप बता सकते कि मैंने क्या गलत कहा है, और उस तीनों कारण के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं हर साल मेरा छोटा सा जो विंटर गार्डन है उसमें मैं इम्पेशंस लगाता हूँ, और हर साल मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखा कि मेरा हर बार रिज़ल्ट अच्छा होता है, लेकिन जो नेक्स्ट बार मैं उसको फिर जब लगाता हूँ तो उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा होता है। जितनी बार मैंने इसको लगाया है, नेक्स्ट ईयर में उसका रिज़ल्ट और भी बेहतरीन हुआ है। आप देख सकते हैं जो प्लांट का क्वालिटी है, एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का प्लांट है। हालांकि मैं एग्जीबिशन में हिस्सा लेता हूँ और इस साल मुझे प्राइज़ भी मिले हैं इम्पेशंस में। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पेशंस के बारे में फुल कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि इस तरह प्लांट को कैसे पॉटिंग सोयल देना है, कैसे वाटरिंग करना है, कैसे एडिशनल फर्टिलाइज़र देना है ताकि बेहतरीन हो और इसका शेप अच्छा हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पसंद फ्लावर इम्पेशन तो है, लेकिन वो इन फ्लावर को कर नहीं पाते। जो फ्लावर का संख्या है वो बहुत कम आते हैं, और जो फ्लावर है वो उसका जो ग्रोथ रेट वो भी कम होता है प्लांट का। इसका जो मेन चीज़ होता है वो है पॉटिंग सॉइल। अगर आप पॉटिंग सॉइल पहले से ठीक ठाक करेंगे तो आपको बाद में इसमें ग्रोथ करने में, जब एडिशनल फर्टिलाइज़र आप देंगे, तो प्लांट को लेने में बहुत ही आसानी होगा। अगर पॉटिंग सॉइल आपका ठीक नहीं होगा तो आप इस प्लांट को कभी भी अच्छा कर नहीं पाएंगे। आप बाद में जितना भी फर्टिलाइज़र दे, वाटरिंग करें, आपको कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने इस प्लांट के बारे में अगर मेरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक आप देख सकते हैं। लेकिन जो बात मैं आज करूंगा वो है कि इम्पेशंस मेरे हिसाब से क्यों नंबर वन विंटर फ्लावर है। इसका जो मेन मैं एक कारण बताऊँगा, इसका जो फ्लावरिंग ड्यूरेशन है, मतलब कि जो इसका जो टेन्यूर है बहुत लंबा होता है। मतलब के दिसंबर से इसका फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, और इसका फ्लावरिंग अगर आप ठीक ठाक इसमें आप वाटरिंग करें, आप एडिशनल फर्टिलाइजर दें, तो इसका जो फ्लावरिंग जो ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। मतलब के मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी आपको फ्लावरिंग मिलेगा, जब तक बारिश स्टार्ट नहीं होगा। मतलब के बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में देने वाला विंटर फ्लावर है। आप किसी भी विंटर फ्लावर में इस तरह क्वालिटी आपको नहीं दिखेंगे। जो दूसरा कारण है वो है इसका क्वांटिटी। मतलब के इसका जो फूलों का संख्या है, आप देखिएगा हर वक्त प्लांट फूलों से भरा रहेगा, और आप दो दिन में फूल तो झड़ जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो दूसरा जो बड्स है वो वेटिंग में रहेगा। मतलब के एक बैच ख़त्म होने के पहले दूसरा बैच प्लांट में भर जाएगा। इस तरह कंटिन्यूसली आपको फ्लावरिंग करता जाएगा। बहुत सारे फ्लावर जैसे कि पिटूनिया, वो भी बहुत बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग देते हैं, लेकिन उसका शेप जो होता है प्लांट का उम्र के साथ साथ शेप खराब होने लगता है। लेकिन जो इम्पेशंस है, इसका जो शेप स्ट्रक्चर है वो एकदम राउंड शेप में रहता है, आप देख सकते हैं। हालांकि आप मेरा देखते अभी जो प्लांट देख रहे हैं वो जेरेनियम है। जेरेनियम भी बहुत ही अच्छा फ्लावर है, लेकिन इसका जो फ्लावरिंग सेशन है फरवरी से स्टार्ट होता है विंटर का। मतलब कि दिसंबर से इसका फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगा। और जो थर्ड रीज़न है इम्पेशन को नंबर वन विंटर फ्लावर कहने के लिए, वो है इसका ब्यूटीफुल लुक। मतलब कि आप देखेंगे प्लांट का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत लगता है। फूलों का जो स्ट्रक्चर है वो इतना सुंदर है, छोटे छोटे फूल, और जो पत्ता है, पत्ते को डोमिनेट करके जो प्लांट जब फ्लावरिंग होता है तो पूरा का पूरा प्लांट लगता है कि एक बुके की तरह लगता है। मतलब कि इसका जो तीन मेन कारण, जो लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लावरिंग, इसका जो क्वांटिटी ऑफ फ्लावर, और इसका जो ब्यूटीफुल लुक है, इन तीनों कारण को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, इसके आगे किसी भी फ्लावर खड़ा नहीं हो पाते मेरे हिसाब से। अगर देखेंगे क्रिसैंथम, जैसे कि मैंने क्रिसैंथम बहुत सारे वैराइटीज की थी, लेकिन क्रिसैंथम एक ही बार में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फ्लावरिंग खत्म होने लगता है। मतलब कि कंटिन्यूस फ्लावरिंग नहीं होता है। और इम्पेशन एक ऐसा फ्लावर है जिसमें कंटिन्यूस फ्लावरिंग होता है और बहुत लंबे समय तक होता है, अगर आपने ठीक से इसका केयरिंग की। अभी फरवरी का 26 तारीख चल रहा है, और आप देखिए इस दौरान, हालांकि
गर्मी बढ़ चुका है लेकिन इसका जो क्वालिटी है अभी तक फ्लोरिंग करते जा रहा है, मतलब कि आप मेरा जो गार्डन है अगर इम्प्रेशन ना होता शायद मैं उसका गार्डन ही बोल नहीं पाता। इसीलिए मेरा सजेशन है जी नेक्स्ट ईयर में अगर आप विंटर गार्डन करते हैं तो अगर आपको सिर्फ एक ही फ्लावर लगाना है तो सबसे बेस्ट चॉइस होंगे आपका इम्पेशंस। उसके साथ आप आपका नेक्स्ट चॉइस को आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ किसी भी फ्लावर को आप इतना सारा क्वालिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर आपके पास भी इसी तरह इम्पेशंस हो और आपको भी आनंद मिले और आपको दूसरों को भी आनंद देने का मौका मिले। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मेरा बेस्ट विशेष है कि आप नेक्स्ट ईयर विंटर गार्डन करें और उसके साथ आप इम्पेशन का भी ग्रो करें और आपको भी ऐसे रिजल्ट मिले। नमस्कार, फिर मिलेंगे।